उत्तर प्रदेश कोरोना की बुरी साया से मुक्ति की राह पर है। ऐसे में 600 से कम मानक वाले जिन जिलों को कोरोना कर्फ्यू से छूट मिल रही है, वहां के लोगों की जिंदगी तेजी से पटरी पर लौट रही है। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस इनोवेटिव मॉडल के नाते स्थानीय जिला प्रशासन में खुद को छूट वाले मानक में लाने के लिए स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा मची है। लोग भी कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन कर इसमें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। नतीजन रोज कोई ना कोई जिला छूट वाले मानक में शामिल हो रहा है। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, बरेली को छोड़ हर जिले में सक्रिय रोगियों की संख्या 600 से नीचे है। लिहाजा ये सभी कर्फ्यू से छूट के दायरे में हैं। बरेली, बुलंदशहर, नोएडा और गाजियाबाद में सक्रिय रोगियों की संख्या 700 से नीचे है, लिहाजा ये भी शीघ्र ही छूट के दायरे में आ सकते हैं। कोरोना के हर फ्रंट से लगातार अच्छी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। 31 मई के बाद से एक दिन में आने वाले संक्रमण के नए केसेस की संख्या 1500 से नीचे बनी हुई है। आज उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान नए केसेस की संख्या 1175 रही। कल यह संख्या 1268 थी। 24 अप्रैल को यह संख्या सर्वाधिक 38,055 थी। इस दौरान स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,646 रही। रिकवरी रेट सुधर कर 97.4% तक पहुंच गई। 30 अप्रैल को सक्रिय केसेस की संख्या रिकॉर्ड 3,10,000 के करीब थी। आज यह घटकर 22,877 पर आ गई। कल यह 25,546 थी। प्रदेश के 33 जिले ऐसे रहे जिनमें 24 घंटे के दौरान एक भी मौत नहीं हुई। 15 जिलों में सिर्फ एक एक की मौत हुई। मेरठ, झांसी, उन्नाव, ललितपुर, औरैया और रायबरेली में कोरोना संक्रमण से 4-4 लोगों की मौत हुई। 9 जिलों में 2-2, 6 जिलों में 3-3 मौतें हुई। किसी भी जिले में नए संक्रमण के दहाई से ऊपर नहीं गए। श्रावस्ती और कानपुर देहात में संक्रमण शून्य रहा। मेरठ, कुशीनगर, नोएडा, गाजियाबाद में नए संक्रमण के मामले सर्वाधिक रहे। जीवन और जीविका के सम्मान में संक्रमण रोकने के लिए अन्य राज्यों की लॉकडाउन व्यवस्थाओं से इतर योगी सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया। टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट को मूल मंत्र मानकर सर्विलांस पर पूरा फोकस किया। शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए हर जिलों में नोडल अधिकारी भेजे गए। प्रभारी मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में जाने के निर्देश के बाद सीएम योगी खुद भी ग्राउंड जीरो पर गए। यही वजह रही कि कम समय और कम संसाधनों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण लग सका। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग, मुंबई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना प्रबंधन के योगी मॉडल की तारीफ की। बावजूद इसके सरकार अब भी कोरोना को लेकर बेहद सतर्क है। सीएम योगी का साफ निर्देश है कि स्थानीय प्रशासन कोरोना कर्फ्यू के नियमों का कड़ाई से पालन कराए। रात्रिकालीन बंदी को प्रभावी बनाने के लिए शाम 6 बजे से ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करें। कहीं भी भीड़ की स्थिति ना बने। छूट के तय समय में बाहर निकलने वालों से अनिवार्य रूप से कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।